टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एक स्क्रीन के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। दो वेव्स मिला के सुपर इम्पोज करें, लाइट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए एनर्जी की, और जो लाइट्स जिनको मिलाना है वो कोहरेंट सोर्स की लाइट होनी चाहिए। देखो ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है डेफिनेशन। सिंपल वर्ड में अगर इस डेफिनेशन को समझना है, पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज कोहरेंट सोर्स। कोहरेंट सोर्स है कि अगर दो बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्सेज हैं उनको कोहरेंट बोलते हैं। आइडेंटिकल मतलब अगर एक सोर्स ने क्रेस्ट निकाला तो दूसरे ने भी उस टाइम क्रेस्ट ही निकालना है, और जब वो ट्रफ निकाल रहा है तो वो ट्रफ ही निकाल लेगा। मतलब और जो वेव निकलेंगी दोनों से उनका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। फ्रीक्वेंसी भी रहेगी एग्जैक्टली सेम। लैम्डा भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। स्पीड भी क्या रहेगी, एग्जैक्ट इतनी डिटो, इतना डिटो कि आप ये इमेजिन करें कि अगर एक सोर्स एक्साइटेशन से लाइट निकाल रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन उसका ऊपर से नीचे गिर रहा है तो दूसरे बल का भी उसी टाइम इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ही गिरना चाहिए। अब तुमको ये कैसे हो सकता है, लाखों इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे गिर रहे हैं, हाँ तो लाखों के लाखों ही कॉपी पेस्ट होने चाहिए। तो दुनिया में ऐसे दो बल्ब बन ही नहीं सकते, चाहे सेम कंपनी सेम मशीन बनाए जो आइडेंटिकल हो, उनमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कंट्रोल नहीं की जा सकती। ठीक है देखने में सेम होंगे बट इतने भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते कि डिट्टो सेम बन जाए और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन भी सेम हो जाए। पर हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, कोहरेंट। तो कोहरेंट सोर्स है, लेकिन यंग्स एक साइंटिस्ट था, उसको पता था कि दो सोर्स एक जैसे बन नहीं सकते, तो उसने बड़ी समझदारी दिखाई। यंग्स ने क्या किया, सोर्स एक लिया, एक ही सोर्स लिया, ये वेव्स ही वेव जनरेट हो रही हैं सोर्स से। एक बात को समझ लो कि अगर एक सोर्स है और कोई कहे इसमें से सर वेव जनरेट होती हैं, बिल्कुल लाइट वेव की तरह जनरेट हो सकती है, तो वेव कहाँ जा रही है दिखाओ। ये देखो ये एक वेव है, दो वेव है, तीन वेव है, इसी में से अलग अलग डायरेक्शन में वेव्स ही वेव ट्रेवल करती हैं। मतलब अगर ये ट्यूब में से अगर आपने इमेजिन करना है कि वेव्स आ रही हैं तो पता नहीं एन नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं और कहाँ कहाँ जा रही हैं मुझे खुद नहीं पता। ये है ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो लाइट को स्टडी करना कितना मुश्किल रहा होगा, मतलब आपको तो लाइट ऐसी दिख रही है, मेरे को भी ऐसी दिख रही है, किसको दिख रहा है कि हाँ एन नंबर ऑफ वेव्स ही वेव्स हैं, और किसको इमेजिन हो पा रहा है कि ये कुछ हो रहा है, नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइट को स्टडी करने में सबसे टाइम लगा। तो देखो उसने एक सोर्स लिया, आगे एक कार्डबोर्ड रख दिया, अंधेरा कर दिया, कार्डबोर्ड रख दिया, ढक दिया, छुपा दिया सोर्स, आगे दो स्लिट्स कर दी, दो मोरियां कर दी, होल्स कर दिए, ये देखो अब क्या हुआ, और बिल्कुल इक्विडिस्टेंट। अब अगर जो वेव यहां जाएगी वही आइडेंटिकल वेव यहां भी जाएगी, तो बन गया ना आइडेंटिकल, क्योंकि वो सोर्स तो एक ही है, इससे आइडेंटिकल नहीं हो सकता। अब जब यहां से लाइट निकलेगी, यहां से निकलेगी बिल्कुल आइडेंटिकल निकलेगी, वो कंफ्यूजन ही दूर होगी। हम दो लैंप लेंगे ही नहीं, हम लैंप ही एक लेंगे और आगे दो स्लिट्स कर देंगे। अब इमेजिन करो ये एक सोर्स है, वो एन नंबर ऑफ वेव निकालेगा हर तरफ। तो अगर मान लो ये एक पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट है, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तो अगर यहां से एक वेव आई और उसने यहां पे ट्रफ घेरा नीचे, तो जो वेव यहां से आएगी इक्विडिस्टेंट वो भी यहां पे क्या घेरेगा, ट्रफ ही घेरेगा, और ट्रफ एक दूसरे पे गिरेंगे तो क्या होगी, यहां पर ब्राइटनेस का पॉइंट होगा। तो एक ट्रफ अगर 10 एम्पलीट्यूड का है, दूसरा ट्रफ 10 एम्पलीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 20, 20 गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां ले, कोई पॉइंट ऐसा भी होता होगा जहां से ये वेव ये आएगी और ये आएगी, और क्योंकि दोनों से डिस्टेंस डिफरेंट है, इस पॉइंट की दूरी दोनों पॉइंट से डिफरेंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वेव ने यहां पे क्रेस्ट घेरा और इस वेव ने यहां पर ट्रफ घेर दिया, और क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर आ गए, दे विल कैंसल ईच अदर, 10 और 10 एम्पलीट्यूड कैंसल, नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, डार्कनेस का पॉइंट आ गया। मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट देखे गए जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया या ट्रफ ट्रफ पे गिर गया, वहां तो लाइट नॉर्मल से डबल गिर गई, और कोई पॉइंट ऐसे देखे गए जहां पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया, वहां पर वो लाइट आपस में क्या कर गई, कैंसल। अब हुआ कुछ ऐसे, जैसे ये मान लो आपके पास एक स्क्रीन है, लाइट को गिरना चाहिए था ऐसे 10
एम्पलीट्यूड 10 10 10 10 10 10, और गिरा कैसे 20 0 20 0 20 0, टोटल रिमेन सेम. इंस्टेड ऑफ कि 10 10 10 10 10 एम्पलीट्यूड गिरे, कैसे गिरा, कहीं पर डबल गिर गया कहीं पर गिरा ही नहीं, फिर डबल गिर गया कहीं पर गिरा ही नहीं, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम. इसे बोलते हैं लाइट क्या हो गई, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर गई, कहीं पर ज्यादा गिर गई और कहीं पर गिरी नहीं, पर टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम. इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? मतलब मैंने ये बताया कि अगर कोई पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां पर इस वेव ने क्रेस्ट घेरा, तो इस वेव ने क्रेस्ट घेरा, क्रेस्ट क्रेस्ट 10 और 10 एम्पलीट्यूड के हैं, तो 20 गिर गया एम्पलीट्यूड. पर कुछ ऐसे हैं जहां 10 और 10 कैंसिल, तो 0 हो गया. तो यहां कहीं पर 10 कहीं पर 20 कहीं पर 10 सॉरी कहीं पर 20 कहीं पर 0 कहीं पर 20 कहीं पर 0. इंस्टेड हर जगह पर 10 10 यूनिफॉर्म लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गई, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम. तो यही फिनोमेना है, यही डेफिनेशन है. इट इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस. तो समझ में आ रहा है कि दो लाइट वेव्स हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, और लाइट की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रही हैं, वेव्स का आपस में मिलना हो रहा है, कहीं कहीं पॉइंट पर ज्यादा कहीं पर कम, तो इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं. कोई पॉइंट्स ऐसे आए स्क्रीन के ऊपर वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, कोई पॉइंट्स ऐसे आए जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लाइट डबल गिरी, क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरा, ट्रफ ट्रफ पे गिरा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वहां इंटरफेरेंस क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव. और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम, वहां पर इंटरफेरेंस क्या हुई, डिस्ट्रक्टिव. तो आपने देखा होगा डायग्राम में कहीं पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव, डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो. क्लियर है यहां तक? तो जब फिजिकली डायग्राम जब लैब में एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तो फोटो कैसी दिखी, दो स्लिट्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आ रहा है, पर ये थोड़ी ना दिखता है लाइट में. हमें फोटो ये दिखी, कहीं पर लाइट नॉर्मल से ज़्यादा गिरी कहीं गिरी नहीं, कहीं ज़्यादा गिर गई कहीं गिरी नहीं, कहीं ज़्यादा गिर गई कहीं गिरी नहीं, तो ऐसी फोटो दिखाई थी. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इंटरफेरेंस है क्या बेसिकली. क्लियर है? देखो ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट लोग सुबह उठ के मतलब बैठ गए, उन्हें कहा आज एक काम करेंगे, लाइट स्टडी करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं लाइट का, है ना, 1700 सदी में, और फिर अब हम एक काम करेंगे इंटरफेरेंस नाम की चीज़ बच्चों को बताएंगे. ऐसा तो नहीं हो रहा ना. किसी ने कुछ, देखो साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन इज़ टू हाई, हमें तो कुछ पता भी लगता कि हो क्या रहा है, उनको कुछ ज़्यादा ही दिखता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, और ढूंढने की कोशिश भी करते हैं. तो किसी ने ऑब्वियसली ये देखने की कोशिश की होगी कि ऐसे पैटर्न्स आते क्यों हैं. लेकिन सबसे पहली चीज, लाइट को स्टडी करना बहुत टफ है, क्योंकि आप सबको लाइट ऐसी दिख रही है, आप सोच भी नहीं सकते, और मैं भी सोच नहीं सकता कि ऐसा कुछ भी होता होगा लाइट में. फिर दूसरा क्वेश्चन ये, आप ये सोच रहे हैं फिर ये दो ट्यूब चल रही हैं, यहां पे इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिख रहा मुझे, ये भी तो ट्यूब्स हैं, ये भी तो लाइट काट सकती है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव. ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट पे हो रहा है. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर लाइट, लेजर लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये. नॉर्मल व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 रंग 7 रंगों पे इंटरफेयर करके ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस कर देते हैं, तो कैंसिलेशन नहीं हो पाती. लेजर के साथ करोगे तो ठीक होएगा. तो साइंटिस्ट लोग हमेशा कंपैरिजन करते आए हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया तो मैग्नेटिक ईजी हो गया निकालना. तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको स्टडी करने से पहले एक और ऑब्जर्वेशन देखी, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन उस ऑब्जर्वेशन से निकाली कि उनको कैसे सपना आया कि ऐसे इंटरफेरेंस भी होता होगा. लाइट बंद करो, ये देखो, as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples,
then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples of the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit... वही एग्जैक्टली लाइट के साथ भी हो रहा होगा। तो ये देखो कैसे ख्याल आ रहा है, पहले पानी में एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर लाइट पे भी चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस तरीके से उनको ये ख्याल आया कि वेव्स आपस में क्या हो रही हैं, इंटरफेयर हो रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गई।